वेलकम टू ऑक्टा फैक्ट। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे खतरनाक खेलों में से एक का, जिसका नाम है व्हाइट वाटर राफ्टिंग। आखिर व्हाइट वाटर राफ्टिंग होता क्या है? व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक मनोरंजन से भरपूर गतिविधि है, लेकिन यह उतना ही खतरनाक है। इसमें लोग एक बड़े नाव में बैठकर तेज बहने वाले पानी के लहरों के खिलाफ लड़ते हैं। राफ्टिंग के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक नाव, पैडल, हेलमेट और सेफ्टी जैकेट। ये कई सारे प्रमुख स्थल मौजूद हैं, जैसे हिमालय, कोलोराडो नदी, गंगा नदी और भी कई सारे। राफ्टिंग के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर किसी को हेलमेट और सेफ्टी जैकेट पहनना चाहिए, क्योंकि पानी की लहरें कई बार काफ़ी तेज होती हैं और आपके साथ गाइड भी होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं। व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक मनोरंजन का अनुभव प्रदान करती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए उपयुक्त होता है। राफ्टिंग में आपको नदी के तेज धाराओं के साथ नाव चलाना पड़ता है। राफ्टिंग एक टीम वर्क है, जिसमें सभी साथी मिलकर काम करते हैं ताकि नाव को सही दिशा में ले जाया जा सके। इसके दौरान गाइड के निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है। व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक फिजिकल एक्टिविटी भी है, जो आपके सेहत के लिए फायदेमंद होती है और इसके साथ ही खतरनाक भी। हालांकि इसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन आपको अपने गाइड के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होता है। राफ्टिंग आपको साहस, स्थिरता और टीमवर्क का अनुभव कराता है। राफ्टिंग एक ऐसी गतिविधि है जो आपकी मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और साथ ही आपको नेचर से भी जोड़ता है। इस प्रकार व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक ऐसा अनुभव है जो आपको न केवल मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि आपको प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने, साथ ही साथ सामूहिकता और साझेदारी का महत्व भी सिखाता है। धन्यवाद।